हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स उनके फ्लावर्स में प्रेजेंट हों और सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज हों, उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स को कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। ये एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो प्लांट किंगडम के सबसे डेवलप्ड डिविशंस हैं, या ये कह लो कि सबसे डेवलप ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनके अंदर भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी प्लांट के जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनके फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया है फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर विथ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। आपको यहाँ पे फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को बताया गया है। देखो, जो मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के वो होते हैं रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। क्या है ये? सबसे पहला पार्ट जो है फ्लावर का वो है ये स्टॉक, जिसको कि हम पेडिसिल भी कहते हैं। इसके जरिए फ्लावर जो है वो प्लांट से अटैच रहता है। अब ये जो पेडिसिल है इसका ये अपर सोलन पोर्शन जो है वो रिसेप्टिकल के नाम से जाना जाता है। इसको थैलेमस भी कहा जाता है, जो कि फ्लावर के बाकी के पार्ट को बेयर करके रखता है, ठीक है, या फ्लावर के बाकी पार्ट इससे अटैच्ड होते हैं, उसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। अब जो फ्लावर का फर्स्ट वॉल है इस रिसेप्टिकल या थैलेमस के ऊपर, उसको हम कहते हैं सेपल्स। ये सेपल्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। आप जब रोज़ का फ्लावर देखते होंगे तो आपको आसानी से ही दिखाई देते होंगे, अंदर तो रेड कलर के पेटल्स होते हैं और बाहर चारों तरफ क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो सेपल्स कहलाती हैं, और इन सेपल्स के ग्रुप को हम कैलेक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि कैलेक्स का एक सिंगल मेंबर क्या कहलाया, सेपल। ये ग्रीन कलर की हैं, तो ये आउटर मोस्ट सर्किल है फ्लावर का, या आउटर मोस्ट वॉल आप कह सकते हैं, या फर्स्ट वॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है कि ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेटिक भी होता है नेचर में, और फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट भी करता है। सेकंड वॉल जो है फ्लावर का वो है पेटल्स, जो कि एक कलर्ड वॉल है, एक कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। अब ये पेटल का जो ग्रुप है उसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं, यानी कि कोरोला जो है उसका एक सिंगल मेंबर क्या कहलाया, पेटल कहलाया, ठीक है। अब पेटल जो होते हैं यूजुअली सेंटेड होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए, और फ्लावर के सेंटर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब पेटल के अंदर जो नेक्स्ट वॉल है वो है ये, उसको हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। अब इस एंड्रोशियम का जो सिंगल मेंबर है वो कहलाता है स्टेमन। स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये स्टेमन जो है वो टू पार्ट से मिलके बना है। ये अपर बायलोब्ड पोर्शन तो क्या कहलाता है इसका, एंथर, और नीचे वाला ये स्टॉक क्या कहलाता है इसका, फिलामेंट। अब इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट होते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आप भी देखते होंगे या जानते होंगे, येल्लो पाउडर लाइक सब्सटेंस होते हैं। अगर हम रोज़ फ्लावर के अंदर देखें तो बीच में हमको एक येल्लो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल है, सबसे इनर वॉल, वो कहलाता है हमारा कार्पल, यानी कि गायनोशियम। और गायनोशियम का जो एक ये सिंगल मेंबर है उसको हम कार्पल या पिस्टिल भी कह सकते हैं। ये एक फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है, जो कि मेनली थ्री पार्ट से मिलके बनता है। जैसे अपर वाला पार्ट जो है वो है स्टिग्मा, बेसल सोलन पोर्शन ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के अंदर होता है एग या ओवम। अब ये स्टिग्मा तो क्या करता है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए, और स्टिकी होता है जिससे पोलन ग्रेन्स आसानी से स्क्वेयर आकर स्टिक हो जाते हैं। स्टाइल क्या करता है कि ये स्टिग्मा को ओवेरी से कनेक्ट करने का काम करता है, और ओवेरी आप जानते ही हैं कि बेसल सोलन पोर्शन है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स में एम्ब्रियोसैक है और एम्ब्रियोसैक में एग है। तो ये तो हो गया हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर।
अब देखो फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन हो, आइदर स्टेमन और कार्पल, उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे पपाया, वाटरमिलन, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, स्टेमन एज वेल एज कार्पल, तो वो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम से उनको जानते हैं। जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब किसी भी प्लांट के अंदर नए सीड की फॉर्मेशन तब होती है जब मेल गैमेट जो कि पोलंग्रेन में प्रेजेंट होता है वो फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट है उससे जाकर यूनाइट हो जाए, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या बनेगा, नया सीड बनेगा, और ये होगा दो स्टेप्स के जरिए। वो टू स्टेप्स कौन सी है, एक तो कहलाती है पोलिनेशन और एक कहलाती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले बात करते हैं हम पोलिनेशन की। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। कि जो एंथर पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएं, स्टिग्मा के, कार्पल के स्टिग्मा पर, तो उसको हम पोलिनेशन कहेंगे। अब ये पोलिनेशन जो होता है वो बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स की मदद से होता है। अबायोटिक एजेंट आप जानते हैं विंड और वाटर, और बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, ये सब बायोटिक एजेंट कहलाते हैं जो पॉलिनेशन में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अब पॉलिनेशन भी टू टाइप का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, देखो जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर हो रहा हो, यानी कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन से उसी फ्लावर का स्टिग्मा क्या हो रहा हो, पॉलिनेट हो रहा हो। और क्रॉस पॉलिनेशन जब पॉलिनेशन टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा हो तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब सेम प्लांट है, है ना, वहां पर प्लांट चेंज नहीं हुआ, चाहे तो फ्लावर चेंज हो सकता है। और दूसरा, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनोदर सिमिलर प्लांट, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है वो। आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को इन डायग्राम्स की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन, ये है फीमेल पार्ट, ये दोनों है मेल पार्ट। अब ये एक ही फ्लावर के अंदर इस मेल से फीमेल पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेकंड आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। देखो जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स जॉइंस विद द फीमेल गैमेट और एग प्रेजेंट इन ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट है वो फीमेल गैमेट या एग जिसको हम कहेंगे जो ओव्यूल में प्रेजेंट है उसके साथ जाकर क्या हो जाए, जॉइन हो जाए। अब ये होगा कैसे, देखो जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो, लेट अस कंसीडर, ये क्या बता रखी है हमें, एक कार्पल बता रखी है, आप देख रहे होंगे पूरे। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जब कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, और इन पोलन ग्रेन्स से एक पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है जो कि स्टाइल की तरफ ग्रो करती है, स्टाइल से ग्रो करके नीचे की तरफ और ओवरी के अंदर प्रेजेंट सॉरी फीमेल गैमेट तक पहुंचती है। जैसे यह है स्टिग्मा, अब स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरा पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन से ये पोलन ट्यूब अराइज हुई। अब इस पोलन ग्रेन से जब ये पोलन ट्यूब अराइज होती है तब इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स की भी फॉर्मेशन होती है, और इन पोलन ट्यूब की सहायता से वो मेल गैमेट कहाँ आते हैं, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँचते हैं। ये ओवेरी है, इस ओवेरी के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर क्या है, ये फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट है। तो जब ये मेल गैमेट कहाँ पर पहुँचेगा, पोलन ट्यूब्स के जरिए मूव करता हुआ ओव्यूल के अंदर पहुँचेगा, तो क्या होगा, जब ओव्यूल के अंदर पहुँचेगा तो मेल गैमिट्स जो होगा वो फीमेल गैमिट के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा और एग का फर्टिलाइजेशन होगा। एग के फर्टिलाइजेशन से जायगोट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जायगोट जो है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होगा और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। कहाँ करेगा, ओव्यूल के अंदर करेगा। अब ये ओव्यूल क्या कर लेगा, अपने चारों तरफ एक
फर्टिलाइजेशन के बाद एक टफ कोट बना लेगा और धीरे धीरे क्या होगा, सीड के अंदर बदल जाएगा जिसके अंदर बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, अब जो ओवरी है फ्लावर की वो डेवलप होकर फ्रूट बना लेगी जिसके के अंदर क्या होगा, सीड होगा। और फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा या स्टाइल, वो या तो ड्राई अप हो जाएंगे या तो फिर वो गिर जाएंगे। सिर्फ ओवरी की ही क्या होगी, वहाँ पर बचेगी। सो प्लांट के अंदर जहाँ पर हम फ्लावर को ओरिजिनली देखते हैं, कुछ समय बाद वहाँ पर हम फ्रूट को देखते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट जो ओवेरी होती है वही किस में बदल जाती है, फ्रूट्स में बदल जाती है, और ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, और एक फ्रूट क्या करता है, इन सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ फ्रूट तो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्वीट होते हैं और जूसी होते हैं, जैसे मैंगोज हैं, ऑरेंजेस हैं, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्ड, ड्राई और वुडी होते हैं, जैसे पीनट्स हैं, ऑलमंड्स हैं। ठीक है, अब सीड जो है वो किसी भी प्लांट की क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसको कि नए प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। सीड के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट या एम्ब्रियो होता है ना, और इस एम्ब्रियो के लिए या इस बेबी प्लांट के लिए फूड भी प्रेजेंट होता है। अब इस सीड से या इस बेबी प्लांट से जो लीव्स निकलती है, जो कि शूट्स में कन्वर्ट होगी, देखो आपको यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन भी दिखा रखा है, लेट अस कंसीडर ये एक सीड है। अब ये सीड टू पार्ट्स में जब स्प्लिट होता है तो इसमें बीच में क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इसका वो पार्ट, इस सीड का वो पार्ट जो कि क्या बनाएगा, फ्यूचर शूट बनाएगा, उसको हम प्रिमूल कहते हैं, और जो फ्यूचर रूट बनाता है उसको हम रेडिकल के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ये जो दो कोटिलीडन्स होती हैं, इन कोटिलीडन्स के अंदर फूड स्टोर रहता है इस बेबी प्लांट के लिए। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं वीट ग्रेन्स होते हैं, ग्राम हैं, कॉर्न हैं, पी हैं, बीन्स हैं, ये सब सीड्स होते हैं, और इनके अंदर जो बेबी प्लांट कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो उस वक्त क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है, जिसको हम डोरमेंट स्टेज भी कहते हैं। लेकिन जब इस सीड को सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे उसको वाटर मिलेगा, एयर, वार्मथ, तब ये जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो और भी प्लांट अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं सीड्स की फॉर्मेशन के थ्रू, जो कहाँ होती है, फ्लावर की मदद से होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट है वहाँ पर जो ओवेरी है वो तो क्या बना लेती है, फ्रूट, और जो ओव्यूल है वो क्या बना लेते हैं, सीड, और वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के जरिए ऐसा होता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।